विक्रांत। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि INS विक्रांत जो 1.18 लाख हॉर्स पावर का है उसका एवरेज कितना है और हमारी इंडियन नेवी में इन जहाजों के नाम कौन रखता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तैयार कर लिया है और INS विक्रांत के शामिल हो जाने के बाद भारतीय नौसेना की क्षमता और भी ज्यादा हो गई है। विक्रांत में स्काई जंप से सुसज्जित एक छोटा रनवे और एक लंबा रनवे है और इसके अलावा भी इसमें और भी खास चीजें हैं। PM नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को इंडियन नेवी के हवाले कर दिया है। 45,000 टन वजन वाले इस युद्ध पोत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसका टैग तो फुटबॉल के मैदानों के बराबर है और इस पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं और साथ ही इस पर अत्याधुनिक हथियारों को भी तैनात किया जा सकता है। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि आज दुनिया के सामने भारत के हौसले बुलंद हो गए हैं। INS विक्रांत में करीब 76% चीजें स्वदेशी लगाई गई हैं और इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है और INS विक्रांत पर फाइटर जेट्स को उतारने का ट्रायल इस साल के नवंबर महीने से शुरू किया जाएगा और ये ट्रायल 2023 तक पूरा भी हो जाएगा। इंडियन नेवी के युद्ध पोतों और बड़े शिप में GE मरीन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2007 में जब स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर योजना शुरू की गई तो GE मरीन ने बताया कि LM2500 मरीन इंजन का इस्तेमाल INS विक्रांत में भी किया जाएगा। ये इंजन गैस टरबाइन पर चलते हैं और भारत में GE मरीन HAL के साथ मिलकर काम करती है। INS विक्रांत में इस्तेमाल किए जा रहे LM2500 इंजन की क्षमता 88 मेगावाट की है यानी कि 1,18,010 हॉर्स पावर और इसमें तो प्रोपेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें LM2500 गैस टरबाइन से चलाया जाता है और इतने पावरफुल इंजन के बदौलत ही INS विक्रांत की क्रूजिंग स्पीड 18 नॉटिकल मील है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 28 नॉटिकल मील यानी 52 किलोमीटर पर आर है और एक बार फ्यूल भरे जाने के बाद ये 7,500 नॉटिकल मील का सफर कर सकता है। और आपको बता दूं कि एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों GE मरीन के मुताबिक LM2500 इंजन 227 ग्राम प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से गैस का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से इसकी रेंज 7,500 नॉटिकल माइल यानी 13,890 किलोमीटर है। और इन युद्ध पोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्यूल की क्षमता की वजह से ही एक बार में लंबी यात्रा नहीं करते, इन्हें बार बार फ्यूल भरने के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि इस तरह के जो शिप होते हैं उन्हें नाम कौन देता है। तो आपको बता दूं कि नेवी में शिप को नाम देने के लिए कमेटी बनाई गई है और जो किसी भी शिप का नाम तय करती है और इस कमेटी का नाम है इंटरनल नोमेनक्लेचर कमेटी और एक कमेटी रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और इस कमेटी के हेड असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं। इसके अलावा मंत्रालय के हिस्टोरिकल सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं और ये सभी मिलकर किसी भी शिप का नाम रखते हैं। और आपको बता दूं कि अभी जो INS विक्रांत नौसेना में कमीशन किया गया है इसका नाम पहले वाले विक्रांत के नाम पर ही रखा गया है और पहले कई युद्ध पोतों के नाम दूसरे शहरों, राजाओं, नदियों, पहाड़ों इन सब के नाम पर रखे जा चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को INS विक्रांत से जुड़ी ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।